महबूबगंज जिले के हरमोना तहसील अंतर्गत सलैया गांव से है, जहां सलैया गांव के कछिया टोला की सड़क का हाल बेहाल है। समझ में ही नहीं आता कि सड़क है या कीचड़ या फिर खेत, लेकिन यहां से सैकड़ों लोगों का आवागमन दिन में लगा रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मार्ग से विद्यालय के लिए ना तो छात्र जा पाते हैं और ना ही शिक्षक निकल पाते हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से एक शिक्षक की गाड़ी दुर्घटना का शिकार होते होते इस सड़क से बच गई। पूरा मार्ग कीचड़ से सना हुआ है, लेकिन जिम्मेदार मौन है। इस मार्ग पर हनुमान जी का एक मंदिर भी है, जहां लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन मार्ग न होने की वजह से काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है कि मरीज व जननी के लिए एम्बुलेंस घर तक नहीं पहुंच पा रही है, जिससे महिलाओं को काफी समस्याएं हो रही हैं। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि पूर्व के सरपंच से भी बात रखी गई, लेकिन तिजोरी भरकर निकल लिए। वर्तमान के सरपंच द्वारा भी सड़क बनवाए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन कब तक बनेगी भगवान ही मालिक है। आइए आपको दिखाते हैं ग्राम सलैया के कछिया टोला की सड़क और दिखाते हैं ग्रामीणों में कैसा आक्रोश है। ग्रामीणों का विकास, ये ग्रामीण का विकास, गवर्नमेंट क्या विकास करेगी। यहाँ एक टीचर जा रहे हैं जो कि बच्चों स्टूडेंट की जिंदगी सुधारने के लिए, जब टीचर की ही जिंदगी यहाँ बेकार है तो स्टूडेंट की जिंदगी कैसे सही होगी। ये देखिए, ये रास्ता है, फुल एक्सीलेटर में जाइए, फुल एक्सीलेटर में गिरिएगा नहीं। ये एक टीचर हैं जो कि स्टूडेंट की जिंदगी सुधारने के लिए जा रहे हैं, पर यहाँ इनकी खुद स्थिति गंभीर है। बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। ये देखिए, बच्चों का भविष्य क्या बनेगा, देखिए रास्ता इस तरह से। बच्चों का भविष्य बनेगा कि टीचरों का। ये चार वो गाड़ियां हैं जो कि हनुमान जी बाड़ा में दर्शन करने के लिए लोग आए हैं। वो देखो काका आ रहे हैं हनुमान जी बाड़ा जाने के लिए। यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे पड़ता है, ये हनुमान जी बाड़ा के जाने के लिए रास्ता है। यहीं से एक ग्रामीणों का सलैया कछियान टोला का भी रास्ता है। ये ग्रामीण की हालत है रास्ते के लिए। अन्याय न कर, अन्याय न कर। भूत पूर्व सरपंच लुटुरु के जमाने से आए, एक सरपंच कह चुका हूँ। क्या आपने राजेंद्र से जब खाली जी ना, क्या आपने वर्तमान सरपंच को भी आवेदन दिए हैं? दिए हैं। क्या बोले हैं? बोले हैं बनवा रहा यही कीचड़ में। हाँ, यही कीचड़ में। विधायक जी क्या बोले? विधायक जी बोले कि जो है तो हम देखते हैं, उसको देखते हैं, अब देख रहे हैं, कब तक देखते हैं क्या पता। कलेक्टर महोदय क्या बोले? कलेक्टर महोदय सबको आदेश दिए, जो है तो अपने यहाँ से फाइल उठवाए, और जो है तो एसडीएम साहब को दिए, एसडीएम साहब जो है तो तहसीलदार को दिए, तहसीलदार जो है तो ब्लॉक सीओ को दिए, ब्लॉक सीओ जो है तो सगला को अपने अंदर करवा के उसको जो है तो कंप्लेन कटवाने का कोशिश में लगे हुए है, और वो कुछ करने को तैयार नहीं है। ये कुछ करने को तैयार नहीं है। ये आपका रास्ता है, पंचायत को पूरा रुपया दे करके और ब्लॉक अधिकारी से लेकर के सब मिल करके के पैसा पूरा खा जाते हैं, और कुछ करवाने की जरूरत नहीं है। अब किसी सरकार के पास जाता हूँ तो सरकार लोग जो है तो हमारे यहाँ के इंजीनियर जो यहाँ सर्वे करने आए तो इंजीनियर बोलते हैं कि नहीं करूँगा, जेल करवा दूंगा। वीडियो साहब बोलते हैं जेल करवा दूंगा, वो बोलते हैं मैं जेल करवा दूंगा। ये हमारे गांव का रास्ता है, ये देखिए कैसा कैसा रास्ता है, कितने लड़के बच्चे, कितने लड़कियाँ, कैसे लोग जा रहे हैं। अरे कल आ रहा है, सरवे कर गए हैं। राम बहुत पूरी दही ला नहीं दे रहे हैं। ये अच्छा हम काटे जरूरत नहीं है, यही है, यही है। इस बारी हमला ने पलटा ले लिया, ये ले सीन है, इनका भी ले लिया। ये है कछियान टोना का नेशनल हाईवे, ग्रामीण वासियों द्वारा अपने पट्टे की भूमि, शासकीय भूमि पर अपने जो हाथों से मोरम में पत्थर मट्टी डाल के रास्ता बनाया जा रहा है।
इतनी बड़ी पंचायत होने के बावजूद। सोमानी टाइल्स, परफेक्ट मार्केटिंग। हमारे यहाँ उपलब्ध है वॉल टाइल्स, एलिमेशन, फ्लोर टाइल्स, पार्किंग टाइल्स, सैनिटरी के सभी आइटम। एक बार सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। उचित और सस्ते रेट पर अच्छी कंपनियों के सभी सामान उपलब्ध। हमारे पास सोमानी कंपनी टाइल्स का डीलरशिप है। इसके साथ ही साथ हमारे पास फिनोलेक्स पाइप कंपनी का भी डीलरशिप है और पूरा प्रीमियम मटेरियल पे हम काम करते हैं और बहुत ही रिजनेबल रेट पे रहता है। और जो भी नई डिजाइन लॉन्च होती है वो सारी डिजाइने हमारे पास अवेलेबल होती है। हमारा पता है शिल्पी सिटी परफेक्ट मार्केटिंग टाइल्स, शॉप समान तिराहा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9752547264 या फिर 8931179464। हमारा टेलीफोन नंबर है 076-62-40-70-64।